तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप पार्ट वन देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखने का फ़ायदा होगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एवरी हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप घर में यूज़ होने वाली चीज़ों से गाड़ी का रेडिएटर फ्लश कैसे कर सकते हो, ये उसका पार्ट टू है। लेकिन उस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कमेंट आया है दीपक मनोत्रा जी का, इन्होंने लिखा है, नूपुर भाई इसमें खाने वाला सोडा डलता है ना कि कपड़े धोने वाला। आपने इसमें कपड़े धोने वाला सोडा डाला है और इजी बेकिंग सोडा के बाद डाला जाता है, और आपने विनेगर कम यूज़ किया है इसमें, कम से कम 2 से 3 लीटर विनेगर, 500 ग्राम खाने वाला सोडा और 4 बड़े नींबू का रस, और लास्ट में इजी के 2 पाउच डलते हैं, उसके बाद जाकर रेडिएटर ढंग से फ्लश होता है। रिजर्वर टैंक को भी खाने वाला सोडा और विनेगर डाल के साफ़ किया जाता है। तो सर देखिए, मैंने इसमें कोई कपड़े धोने वाला सोडा यूज़ नहीं किया है। कपड़े धोने वाला सोडा आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ को बोल रहे हो। और आपने लिखा है इसमें इजी बेकिंग सोडा के बाद डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी कुछ भी डाल सकते हो, अंदर जाके सब कुछ एक साथ मिक्स ही हो जाना है। और बात रही कि विनेगर 2 से 3 लीटर यूज़ किया जाता है, सर देखो 3.5 लीटर टोटल इसमें कूलेंट डलता है इस गाड़ी में, तो मेरे हिसाब से विनेगर 1.5 लीटर बहुत है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर यूज़ आप कर सकते हो, बाकी आपको पानी ही मिलाना है। और रेडिएटर फ्लश में 500 ग्राम बेकिंग सोडा की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 या 12 चम्मच बहुत रहेगा, इतना बहुत है इसके लिए। और अब बात आ जाती है 4 बड़े नींबू का रस। देखो सर, इसमें नींबू निचोड़ा नहीं जाता है, ऐसा नहीं कि नींबू का रस डलता है, उसकी जगह आप साइट्रिक एसिड आता है आप उसको यूज़ कर सकते हो बेकिंग सोडा की जगह, या तो बेकिंग सोडा डाल दो या फिर साइट्रिक एसिड डाल दो, बात एक ही है। बात रही 2 इजी के पाउच की, हाँ आप 2 इजी के पाउच डाल सकते हैं, फिलहाल मेरे को अपने केस में 1 डालना सही लगा तो मैंने 1 डाल लिया। तो कुल मिला के बात ये निकल के आ जाती है, ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसमें 65-70% पानी मिला होना चाहिए, बाकी 30-35% मिला होना चाहिए बाकी सब चीज़ें। जैसे हम कपड़े धोते टाइम पानी लेते हैं पूरी बड़ी वाली बाल्टी भर के, लेकिन सर्फ कितना डालते हैं उसमें, मात्र 1 या 2 मुट्ठी, इस तरीके से ही इसका करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जब आपकी गाड़ी को 24 घंटे हो जाएं ऐसे उस मिक्सचर डले डले, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रेडिएटर का ढक्कन खोल देना है, इसको रख देना है अलग, ठीक है ठीक है, और नीचे रेडिएटर का ड्रेन प्लग खोल के जितना भी पानी था सारा निकाल देना है। जब वो पानी निकल जाए आपको ड्रेन प्लग दोबारा लगा देना है, और उसके बाद ये वाला जो पाइप है इस पाइप की इस क्लिप को प्लास से दबा के पीछे करके इस पाइप को निकाल देना है। जहाँ से ये पाइप निकलेगा वहाँ पर आपको हाथ से वो बंद कर देना है, हाथ लगा के बंद कर देना, अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा अभी कैसे, ठीक है। और इसमें लगा देना है नॉर्मल पानी का पाइप, नॉर्मल टंकी में से जो पानी आता रहता है, और उसके बाद कर देनी है गाड़ी स्टार्ट। तो जब गाड़ी आप स्टार्ट कर दोगे यहाँ से पानी जाता रहेगा, वो रेडिएटर के नीचे वाले पाइप में से इंजन में से घूमता हुआ इस पाइप में से बाहर निकल जाएगा। इसका सर्कुलेशन इस तरीके से होता है, यहाँ से रेडिएटर में से पाइप जाता है नीचे, नीचे से जाता है इंजन में कूलेंट सर्कुलेट होता हुआ, वापस रेडिएटर में गर्म कूलेंट इस पाइप के थ्रू ठंडा होने के लिए आ जाता है। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे वापस वो लाना ही नहीं है, उस चीज़ को बाहर निकाल देना है, अंदर का जितना भी पानी है यहाँ पे पाइप लगा देंगे, पानी इंजन में नीचे वाले पाइप से जाता रहेगा, नीचे वाले पाइप से जाने के बाद इस पाइप के थ्रू बाहर निकलता रहेगा, जहाँ से हम ताज़ा पानी डालते रहेंगे, ठीक है। ताज़ा पानी डालना, बीच में बंद मत कर देना, ऐसा ना हो 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो, बेकार में गाड़ी ओवरहीट वगैरह हो जाए। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो फिलहाल मैंने गाड़ी के रेडिएटर का ड्रेन प्लग खोल के अपना वो जो मिक्सचर बनाया था वो निकाल लिया है, और देखो कितना गंदा पानी निकला है, ये वही मिक्सचर है, नॉर्मल पानी नहीं है ये रेडिएटर का निकला हुआ, ये वही मिक्सचर है, देखो कितना लाल लाल निकला है ये पानी में, इसमें पूरे में जंग घुला हुआ है, ये आपको कैमरे में भले ही पीला पीला दिख रहा हो लेकिन असली में ये लाल है। अभी आपको ये पानी बिखेर के भी दिखाऊंगा, फिर देखना बाल्टी के तले में कितने रस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं। पहले मैं आपको अपने रिजर्वर टैंक की हालत दिखा देता हूँ, देखो रिजर्वर टैंक के अंदर कितना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी इंजन में चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। इस रिजर्वर टैंक को भी मैं क्या है, जब ये फूला हुआ होगा इसके अंदर का जंग, इसके अंदर मैं पेचकस देके रगड़ रगड़ के साफ करूंगा, फिर बार बार पानी निकालूंगा, उसके बाद ये निकलेगा। फिलहाल देखो इसमें से कितना गंदा पानी निकलता है, सोचो इतना गंदा पानी इंजन में चलेगा तो क्या हाल करेगा इंजन का, अंदर से इंजन के अंदर के हेड और सिलेंडर ब्लॉक, हीटर कोर भी है हमारी, जितने भी पाइपलाइन है वो, उन सब का क्या हाल होगा। एक गाड़ी में क्या हुआ, नॉर्मल पानी डाल डाल के ऐसे ही चलाते रहे, उसका गल गया हेड नॉर्मल पानी से, हेड गलने के कारण पूरा हेड बदलना पड़ा, इंजन ऑयल और कूलेंट की लाइन आपस में कनेक्ट हो गई, हेड बदलना पड़ा सिर्फ कूलेंट के पैसे बचाने के चक्कर में। तो ये छोटी छोटी लापरवाही आगे जाके भारी पड़ती हैं, उस टाइम पे हमें फर्स्ट टाइम की गलती का एहसास हो जाता है कि यार मेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ा था जो मैंने ऐसा कर दिया, नॉर्मल पानी वानी डाल दिया, कुछ भी गलती करते हो। अब देखो कितना जंग है इसमें, ये सब जंग जो है गाड़ी के अंदर से निकला,
जो नॉर्मल पानी डाल डाल के गाड़ी चलाने से इंजन में रस्टिंग पैदा हो जाती है वो है ये। देखो आपको इस तरीके से करना है, मैंने जहाँ से पाइप निकाला था वहाँ पे लगा लिया हाथ, गाड़ी है मेरी स्टार्ट और रेडिएटर में पाइप से पानी डाल रहा हूँ। वो वाटर पंप क्या कर रहा है, रेडिएटर में से पानी खींच रहा है और इंजन में सर्कुलेट करके यहाँ से निकाल दे रहा है। जंग वाला पानी जो निकला था उसके मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक ये झाग पूरे नहीं निकल जाते यानी कि यहाँ से ट्रांसपेरेंट पानी बाहर नहीं आने लगता है, जब तक के लिए आपको पानी डालने में कंजूसी नहीं करनी है। ट्रांसपेरेंट पानी आने के बावजूद भी 5 मिनट तक पानी डालने में कंजूसी कुछ नहीं करनी है, क्योंकि इसका एक पार्टिकल भी इंजन के अंदर बचना नहीं चाहिए। देखो आप दूर से देखो, इस तरीके से मैंने हाथ लगा रखा है और पाइप से यहाँ से पानी डाल रहा हूँ, और सामने देखो मेरा नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट पानी बाहर निकल रहा है। जब तक के इस तरीके से ट्रांसपेरेंट पानी बाहर ना निकलना शुरू हो जाए, जब तक आपको पानी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो जब आपके ट्रांसपेरेंट पानी को आते आते लगभग 5 मिनट हो जाए, उसके बाद आपको नॉर्मल टंकी का पानी क्या है कर देना है बंद, और उसके बाद 3-4-5 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट रखनी है, जब तक कि आपके इंजन में जो सर्कुलेट पानी है वो बाहर नहीं निकल जाता है उस रेडिएटर वाले ऊपर वाले पाइप के थ्रू। जब इंजन का पानी बाहर निकल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला पाइप भी आराम से सुखा के, वहाँ पे नमी नहीं रहनी चाहिए, उसके बाद हल्का हल्का बॉन्ड लगा के पाइप लगा देना है, और नीचे वाला पाइप निकाल के उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उस पाइप के अंदर भी पानी भरा रहता है उसको निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद उस पर भी सुखा के हल्का हल्का बॉन्ड लगा के लगा देना है पाइप को। तो गाड़ी में कूलेंट डालने से पहले आपको गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व लगा लेना है। इस गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब कूलेंट डाल रहा हूँ मैं इस गाड़ी में, ये देखो मैंने MGP का कूलेंट लिया है। मैं इसको डालूँगा 30% कूलेंट और 70% वाटर, जो कि इस पे पीछे लिखा भी हुआ है। हर कूलेंट के पीछे लिखा होगा कि उसे किस तरीके से डालना है, एक आता है कंसनट्रेटेड, एक आता है रेडी टू यूज़। तो ये रेडी टू यूज़ नहीं है, रेडी टू यूज़ में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, जितने भी गाड़ी की कैपेसिटी है जितने लीटर की भी उतने लीटर कूलेंट ही डालना पड़ेगा वो वाला। तो वो वाला मैं इतना कोई खास पसंद नहीं करता, उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, अपना ये कूलेंट भी काम कर देता है। इसमें हमें क्या 70% जितना भी हमें कूलेंट डालना है उसका 70% वो मिलाना है डिस्टिल वाटर, ठीक है। सपोज़ करो हमारी गाड़ी में 3.5 लीटर कूलेंट आता है, 3.5 का 70% हमें पानी मिलाना है डिस्टिल वाटर और 30% कूलेंट, ठीक है। तो चलो कूलेंट और वाटर को मैं पहले मिक्स कर लेता हूँ। ये ध्यान रखना डिजिटल वाटर मिलाना है, डिजिटल वाटर आपको किसी भी बैटरी वाले की दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कूलेंट में डिजिटल वाटर मिक्स कर लिया, मैंने इसमें 1 लीटर कूलेंट लिया है और 2.5 लीटर डिजिटल वाटर लिया है, क्योंकि मेरे कूलेंट में क्या है 70% डिजिटल वाटर ऐड हो सकता था और 30% थी मेरे को कूलेंट की ज़रूरत। तो टोटल इस गाड़ी में 3.5 लीटर कूलेंट डलता है, 3.5 लीटर कूलेंट मैंने बना लिया है 1 लीटर कूलेंट से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इस गाड़ी में बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 से 1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर ही उनका कूलेंट आ पाता है। वो इसलिए ऐसा तब होता है जब वो कूलेंट पूरा नहीं निकाल पाते हैं। तो कूलेंट पूरा जब ही निकलेगा जब आप नीचे से रेडिएटर वाला पाइप निकालोगे। तो ऐसे ही कूलेंट डाल डाल के आपको क्या करना है, अपना रेडिएटर पूरा ऊपर तक फुल कर लेना है। यार देखो मैंने ये फुल भर लिया अपना रेडिएटर, ठीक है। इसे फुल भरने के बाद अब मैं करूँगा गाड़ी स्टार्ट। देखो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, थोड़ी देर बाद ये कूलेंट लेवल एकदम ड्रॉप करेगा। देखो धीरे धीरे करने लगा है ये, देखो ये बुलबुले जो उठ रहे हैं ये हवा निकल रही है। मैं इसमें और कूलेंट डालूँगा, कूलेंट हमेशा धीरे धीरे डालना है। देखो ये जो थोड़े थोड़े बुलबुले उठ रहे हैं ये इस टाइम गाड़ी की हवा निकल रही है, जो भी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में एयर है। देखो हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं तो बाहर निकल रहा है, थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देते हैं। देखो धीरे से खोल लिया, अब भी इसमें थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो जब तक इसमें कूलेंट आपको डालते रहना है जब तक ये लेवल ड्रॉप करता रहे। जैसे ही ये कूलेंट इस तरीके से बुलबुले बन के बाहर निकलने लगे, रेडिएटर का ढक्कन बंद कर देना है और इंतज़ार करना है जब तक के 2 बार फ़ैन घूम के बंद ना हो जाए। फ़ैन बंद होना ही इस बात की पहचान है कि हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है। दोस्तों देखो मैंने इसका रिजर्वर टैंक भी पूरा ऊपर फुल तक भर दिया है, जहाँ तक फुल का मार्क है अगर आपको दिख पा रहा हो तो, जहाँ तक ये दिख रहा होगा। देखो जब तक फ़ैन चले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके टेम्परेचर की स्विंग पता लगा, हाफ से ऊपर तो नहीं जा रही है, ठीक है।
या फिर अगर आपकी स्विंग गाड़ी में टेम्परेचर मीटर नहीं है तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर हीटिंग की लाइट तो नहीं जल रही है। मेरा एक बार रेडिएटर फैन चल चुका है, देखो इस टाइम चल रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हवा की भी आवाज़ आ रही होगी आपको, अब देखो अब ये रुक गया है। मैं इसको एक बार चलने का इंतजार और करूँगा। देखो फैन गाड़ी का एक बार दोबारा चल गया है, और अभी हो गया है बंद। आपको आवाज़ ही आनी बंद हो गई होगी हवा की भी और फैन की मोटर की भी, ठीक है। देखो ये रुक गई पंखड़ी, मैं इसके हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये रही पंखड़ी, और गाड़ी के नीचे भी देख लेना है एक बार कि कोई कहीं से कोई कूलेंट की बूंद बूंद तो नहीं टपक रही है। फिलहाल देखो मेरी गाड़ी के नीचे कुछ कूलेंट वूलेंट की कोई भी हरी बूंद नहीं है, वो हरा हरा टपकता हुआ अलग ही दिख जाएगा। तो जब हमारी गाड़ी का रेडिएटर फैन दो बार घूम के बंद हो जाएगा उसके बाद हमें गाड़ी कर देनी है बंद, और रेडिएटर का ढक्कन लगभग 3 से 4 घंटे गाड़ी ठंडी होने देनी है, और धीरे धीरे रेडिएटर का ढक्कन खोल के देखना है। आपको कूलेंट लेवल थोड़ा सा ड्रॉप मिलेगा क्योंकि उसके क्या है एयर निकल चुकी होगी। कूलेंट लेवल कितना ड्रॉप मिलेगा, लगभग आधे से एक गिलास के करीब, तो उसको आपको टॉप अप कर लेना है। देखो मैंने टॉप अप कर लिया है डिस्टिल वाटर से ही ऊपर तक अपना जितना होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि रेडिएटर फ्लश से लेकर कूलेंट फिलिंग तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेना जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अपलोड करने के साथ ही। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी आपको दीक्षित नूपुर के नाम से स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।